आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए, जिसकी एग्जाम होने वाली है 10 मई और 11 मई को। तो पीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 27 जुलाई 2014 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पेपर नेम जियोलॉजी और पूरे क्वेश्चंस की संख्या 150 है, लेकिन मैं जो डील करूंगा वो कुछ पार्ट्स में इसे डील करूंगा। तो मैं आज के वीडियो में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। इन द हिमालयन माउंटेन बेल्ट वन कैन फाइंड अबंडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिमालयन माउंटेन बेल्ट जो है वो एक कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट एक दूसरे से टकराने के बाद हिमालयन माउंटेन बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो टकराने की वजह से मेनली थ्रस्ट एंड फोर्स ये सारे डेवलप होंगे। अगर कोई चीज दूर जाता है तो ग्रेविटी के कारण से वो नीचे चला जाएगा और रिफ्ट वैली वगैरह में नॉर्मल फॉल्ट जनरेट होता है। कॉन्सेप्ट जैसा कि हम देखते हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट के टकराने से बन रहा है। तो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन में जो बनेगा वो जनरली नॉर्मल फॉल्ट होगा, बट जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे तो उसके बाद जो माउंटेन्स बनेंगे, पुल्ड माउंटेन्स, वो जनरली थ्रस्ट एंड फॉल्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट, द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बिलो द हिमालयन ओरिजिन इज एट ए डेप्थ ग्रेटर देन दैट बिलो द इंडियन क्रेटर, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसमेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि सरफेस के हाइट से, सी लेवल से, अगर कोई चीज जितना हाइट में रहेगा उसका रूट उतना ही डेप्थ में होगा, तब जाकर के आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसमेंट होगा। ठीक, तो हिमालय चूंकि काफी ऊंचा है तो निश्चित सी बात है कि उसका रूट भी काफी नीचे तक जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ मोर डेंस वाटर एंड लेस डेंस ब्लॉक्स। तो मोर डेंस वाटर यानी आपका मेंटल क्रस्ट का एक परत है। तो यहाँ देखिए कि लेस डेंस रॉक्स जहाँ ऊपर है वहीं उसका रूट भी नीचे जा रहा है। तो मान लीजिए हिमालय का केस ऐसा है, तो हिमालय जितना ऊपर है उसका रूट भी उतना नीचे जाएगा, तभी वो आइसोस्टैटिक बैलेंस में रहेगा। ठीक, तो आइसोस्टैटिक मास एडजस्टमेंट इसका ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, वेव शैडो जोन्स रिकॉर्डेड बाय सिस्मोलॉजिस्ट इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन द, गेस कीजिए। ये देखिए, ये है एस वेव शैडो जोन और ये है पी वेव शैडो जोन। तो पी वेव शैडो जोन जो है ये पी वेव कोर से भी पास करता है। तो मेनली ये कोर का अपर पार्ट और मेंटल का लोअर पार्ट, इसके बीच में एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है जो कि उसको शो कर रहा है। तो दिस विल बी इंडिकेट लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। मैफिक मिनरल्स कंटेन मोर ऑफ एल एंड एस आई, एम जी एंड एफ ई, सी एंड सी यू, एम एन एंड एल, बी एंड एच। फेल्सिक मिनरल्स हैं, जैसे फेल्सिक, जो फेल्सिक रॉक हो गए, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ये सब, इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेंट कम होता है। देखिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। सोडियम, पोटेशियम, सिलिका कंटेंट फेल्सिक में ज्यादा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आयरन और मैग्नीशियम वाला, सेकंड, आयरन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिसेंटर ऑफ ए डीप फोकस अर्थक्वेक इज लोकेटेड। इसके ऑप्शंस 5 हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लोकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एपिसेंटर अर्थक्वेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स,
शैलो फोकस अर्थक्वेक, मीडियम फोकस अर्थक्वेक एंड डीप फोकस अर्थक्वेक। डीप फोकस अर्थक्वेक के लिए जो डेप्थ है वो मोर देन 300 किलोमीटर होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोस्टैटिक मूवमेंट। आइसोस्टैटिक मूवमेंट, अभी हमने आइसोस्टैटिक मूवमेंट के बारे में बताया कि आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, सी लेवल फॉल्स रिलेटिव टू सैंड एंड फोर ब्रिज हैड क्रिएटेड ड्यू टू द दिस वेट ऑफ दिस आइस शीट। आइस मास डिप्रेसेज लैंड बिलो एंड डिस्प्लेसेज नियर बाय लैंड अपवर्ड। तो ये आइसोस्टैटिक बैलेंस करने का तरीका है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अपलिफ्ट ऑफ एरिया रिसेंटली कवर्ड बाय थिक कॉन्टिनेंटल आइस। एक्सटेंशनल टेक्टोनिक रिजाइम ऑफ द अर्थ वी कॉमनली ऑब्जर्व, नॉर्मल फॉल्ट, थ्रस्ट, वर्टिकल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, फोर्स एंड थ्रस्ट। तो एक्सटेंशनल टेक्टोनिक रिजाइम से यानी एक दूसरे से दूर हट रहा है, कंप्रेशनल नहीं है, एक्सटेंशनल ना। तो हमने बताया था कि दूर हट रहा है, दूर हटने से क्या होगा कि ड्यू टू इट्स ऑन ग्रेविटी इट विल क्रिएट नॉर्मल फॉल्ट। द एक्सटेंशनल स्ट्रक्चर्स आर रिफ्ट वैली, हाफ ग्रेवम, रोल ओवर, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, रिले रैम्प, सो इट इज फॉर्मिंग हॉस्ट एंड ग्रेवम। In this case, you can see that these all are normal faults. So, what will be the answer? It will be the answer, normal fault. The effect of shear stress on a frictional plane will be a maximum when the plane is inclined to the compression direction at an angle of, so shear stress should be 45 degree. That's option 4, 45 degree. This is question 9. Which one of the following does not form a good aquifer? इनमें से कौन सा ऐसा है जो good aquifer नहीं बनाता है? तो good aquifer बनाने के लिए एक किसी rock के पास अच्छी porosity होनी चाहिए। Porosity के लिए storing space जो create होता है aquifer में, उसके लिए jointed basalts में क्या होगा कि joints जो बने, बहुत सारे fracture joints बने, उसमें space मिल जाएगा। मैसिव ग्रेनाइट में स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्रैक्चर्ड भी नहीं है। टिल्स यानी बड़े बड़े रॉक्स के साथ बना हुआ क्लास्टिक रॉक्स, तो इसमें भी स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। सैंडस्टोन में भी स्टोरिंग कैपेसिटी होगी, कुड पर पोरोसिटी परमिबिलिटी दोनों होगी। डोलेराइट में भी सेकेंडरी पोरोसिटी होती है। तो आंसर शुड बी मैसिव ग्रेनाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड रिजर्वॉयर रॉक फॉर पेट्रोलियम, लैमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, रीफ बाउंड स्टोन, ग्रेनाइट। तो एक अच्छे रिजर्वॉयर रॉक की पहचान ये होती है कि उसमें पोरोसिटी भी होनी चाहिए और परमेबिलिटी भी होनी चाहिए। लैमस्टोन में पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों हो सकता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी पोरोसिटी जनरेट होता है। सैंडस्टोन इज ए क्लास्टिक रॉक एंड इट विल बी हैव आल्सो हैविंग पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, बट मडस्टोन विल हैव पोरोसिटी बट नॉट परमेबिलिटी। दैट्स व्हाई वेयर एज रीफ बाउंड स्टोन इट विल बी हैविंग आल्सो पोरोसिटी। ग्रेनाइट इज आल्सो नॉट ए गुड रिजर्वॉयर रॉक unless it is fractured. So the option is either mudstone or granite. They have provided mudstone, answer number 3. But granite, unless it is shown that it should be fractured, it can also will not act like a good reservoir rock. Weathering of feldspar minerals may result in which one of the following sets of products? Feldspar जो है वो KALSI-308 हो गया। एल एस पर तो उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा?
निश्चित सी बात है पोटेशियम आयन्स बनेंगे। सेकंड वाले आयरन ऑक्साइड CaPmGmM ये सभी तो चीजें उसमें है ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा NaKMgFe। तो जहाँ Fe वगैरह है वो सभी चीजें को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो मेनली फेल्डस्पार KLSi3O8 H+ आयन प्लस H2O मिलकर के वो H4SO SiO4 बनाता है, और इलाइट जो कि एक क्ले मिनरल है का जो दूसरा वैरायटी है Na-rich फेल्डस्पार दैट इज अल्बाइट, वो केओलिन नाइट बनाता है। जो यहाँ दोनों मिनरल्स में देख सकते हैं कि Fe, Mg ये सभी की मात्रा नहीं है, तो जो बनाएगा वो आंसर होगा क्ले CaNa and Ca डिजॉल्व सिलिका। इन कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग्स थिकेस्ट कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ। तो कन्वर्जेंट के केस में क्या होगा, अगर दो कॉन्टिनेंट टकराएंगे कन्वर्ज करेंगे तो वहां फोल्डेड माउंटेन्स बनेगा क्योंकि दोनों का डेंसिटी कम है। अगर एक कॉन्टिनेंट एक ओशन क्रस्ट टकराएगा तो ओशियनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट के नीचे चला जाएगा और वहां एक सबडक्शन जोन क्रिएट करेगा। दो ओशियनिक क्रस्ट भी जाकर के सबडक्शन जोन क्रिएट करेंगे और वहां आइलैंड आर्क्स क्रिएट करते हैं। तो मेनली जो दो कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट प्लेट्स बनाएंगे जो कि हम हिमालय के केस में देखते हैं, कॉन्टिनेंट कॉलिजन सेटिंग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब डिविजन्स ऑफ द हिमालय इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स ओनली, लेसर हिमालय, तेथिस हिमालय, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और कुमाऊं हिमालय? आंसर बताइए। एक फिगर है जो सबसे नीचे में मेन बाउंड्री फॉल्ट बनता है लेसर हिमालय के बाद, उसके बाद हाई हिमालय क्रिस्टलाइन सेक्वेंस, देन तेथिस हिमालय, देन फ्यूचर जोन जो ऑप्शोलाइट्स बना रहा है, देन ट्रांस हिमालय और ल्यूकोग्रानाइट्स। यहाँ हाई हिमालय और यू कैन से ग्रेटर हिमालय विल बी राइट ऑप्शन। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन 14 पर थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिथोटेक्टोनिक सब डिविजन्स ऑफ द हिमालय फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ देखते हैं कि हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं जैसे जैसे, तो हम जी देखते हैं, जी जो कि शिवालिक है जो कि आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, फिर एफ इज द लेसर हिमालय, देन ई इज द ग्रेटर हिमालय, एंड देन दिस वन इज ABCD comes under ट्रांस हिमालय और टेथिस हिमालय। तो ऑप्शन आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और टेथिस हिमालय शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। द मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसको अलग करता है? तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था ये चीज, बताइए इसको अलग करते हैं। यहां देखिए तिब्बतन प्लेट इज डिवाइडेड बाय तिब्बतन टेथिस हिमालयन जोन बाय ITSH इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, इन दोनों के बीच में है STDS साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। हायर हिमालय जोन और लेसर हिमालय जोन इन दोनों के बीच में है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक जो कि आउटर हिमालय भी कर सकते हैं, इसके बीच में जो है वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर शिवालिक और तराई रीजन के बीच में कहलाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट यहाँ पूछा जा रहा है, यानी जो लेसर हिमालय और आउटर हिमालय शिवालिक के बीच में है ना, आउटर हिमालय फ्रॉम लेसर हिमालय वुड बी द आंसर। अपर टर्शियरी रॉक डोमिनेट इन व्हिच रीजन? अपर टेथिस रॉक
डोमिनेट्स इन द हिमालय। यहाँ हम लोग देखते हैं जो रीजन है टर्शियरी शिवालिक, शिवालिक में टर्शियरी ऑफ शिवालिक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मेनली शिवालिक रीजन को अपर टेथिस डोमिनेट करता है, तो शिवालिक को आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए दैट विल बी द आंसर। द हाइपोथेसिस द लाइफ ऑन अर्थ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द प्लैनेटरी क्लाइमेट इज नोन एज। तो लाइफ भी क्लाइमेट के लिए उत्तरदायी होता है। इसको इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था? गया हाइपोथेसिस, यूनिफॉर्मेशनिज्म, सस्टेनेबिलिटी हाइपोथेसिस, गटेनबर्ग हाइपोथेसिस और हैरिस हाइपोथेसिस। तो देखते हैं व्हाट इज गया हाइपोथेसिस। बोथ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंटली मूविंग सिस्टम दैट मेक्स अप द बायोस्फीयर। तो ये गया जेम्स लेवलॉक और लिन मार्गुलिस द्वारा दिया गया था हाइपोथेसिस। तो और जबकि हैरिस हाइपोथेसिस कहता है आउटलाइनिंग ए थ्योरी ऑफ हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स कैन मूव व्हिच वाज लेटर कॉल्ड सी फ्लोर स्प्लिटिंग। तो आंसर शुड बी गया हाइपोथेसिस। ए डैम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम? नेचुरल सिस्टम दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन, मॉडिफाइड सिस्टम अफेक्टेड बाय ह्यूमन एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, एंड कंट्रोल्ड सिस्टम अफेक्टेड बट इन ए कंट्रोल मैनर, अनकंट्रोल्ड सिस्टम अफेक्टेड बट कांट बी कंट्रोल्ड एंड डाइवर्सिफाइड, यानी इट इज यूजिंग फॉर सेवरल पर्पसेज। तो एक डैम है जहाँ सारी चीजों को ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना, तो इट शुड बी ए कंट्रोल सिस्टम। एनवायरमेंटल सिस्टम दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नोन एज। तो किस इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस किस में नहीं किया जाता है? इकोसिस्टम में तो ह्यूमन आता ही है, कंट्रोल सिस्टम में भी ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फ्लूइड सिस्टम में भी ह्यूमन कंसिडर किया जा सकता है, ओपन सिस्टम में भी ह्यूमन जा सकता है, नेचुरल सिस्टम शुड बी अंडर, क्योंकि नेचुरल सिस्टम बिलोंग करता है वाटर, एटमोस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स डेट टू द प्री बर्यल स्टेज इज नोन एज। आंसर बताइए, इकोलॉजी, डायजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, बायोस्ट्रेटिनोमी और पेलिनोलॉजी। हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेज, बर्थ से डेथ तक का कहलाता है स्टेज पेलियो इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। डेथ से फाइनल बरियल तक का स्टेज बायोस्ट्रेटिनोमी कहलाता है। फाइनल बरियल से डिस्कवरी तक का स्टेज फॉसिल डायजेनेसिस और डायजेनेटिक स्टडीज के अंतर्गत आता है, और इन दोनों को मिलाकर के टैपोनॉमी कहा जाता है। तो मेनली बायोस्ट्रेटिनोमी विल बी द आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्ट्रिक्टेड टू पैलियोजोइक रॉक्स ओनली। तो यहाँ देखते हैं कि पैलियोजोइक यानी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये सारे हैं पैलियोजोइक के, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये सब हैं। तो इसमें जो मेन टाइप के फौना है बाइवाल्विया, सेफेलोपोडा, एकिनोडिया एंड ग्रैप्टोलिथिन न्यूमलाइट्स, बाकी सारे तो अभी तक प्रेजेंट हैं, बाइवाल्विया, सेफेलोपोडा वगैरह। ये ग्रैप्टोलिथिन है, यहाँ देखिए ग्रैप्टोलॉइडिया और ये सारे ग्रैप्टोलिथिनिया के पार्ट हैं। तो ये सभी पैलियोजोइक के दौरान ही एक्सटेंट हो गए थे, तो ग्रैप्टोलिथिनिया विल बी द राइट आंसर। द रॉक यूनिट दैट वी आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ जियोलॉजिक टाइम आर डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ देखिए जहाँ टाइम का बात हो वहाँ क्रोनोस्टेटिग्राफी को महत्व देना चाहिए। तो
बायोस्टेटिग्राफी में बायोलॉजिकल थिंग्स यानी फॉसिल्स वगैरह को डिस्कस किया जाएगा, लिथोस्टेटिग्राफी में लिथोलॉजिकल थिंग्स को डिस्कस किया जाएगा, और टाइम जोन का स्पेसिफिक यूज क्रोनोस्टेटिग्राफी में होगा। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं लिथोस्टेटिग्राफी के लिए, ग्रुप मेंबर फॉर्मेशन बेड एक्सेट्रा, बायोस्टेटिग्राफी के लिए बायोजोन्स, क्रोनोस्टेटिग्राफी में इयॉन ईरा ये सभी यूज किया जाता है जो कि क्रोनोस्टेटिग्राफिक यूनिट में आएगा। द सेल ऑफ सेल्फ एनवायरनमेंट इज डोमिनेटेड बाय सेल ऑफ सेल्फ एनवायरनमेंट। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मोलस्क आर मेनली फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंटरटाइडल टू द डीपेस्ट ओशंस, whereas brachiopods are characteristics of shallow, clear self-sea environment. Nereids are marine, deep marine to lagoonal to deltaic environment. Pelagic organisms are generally free-swimming nectons or floating planktons. Bryozoans, both in marine and freshwater environment, living at all latitudes and at depth. Radiolarians can be found at various depths from the ओशन सरफेस टू द बैथीपेलाजिक डेप्थ। मतलब ये बाकी सारे जो हैं वो डीप में भी मिलते हैं, सिर्फ एक जो कम्बिनेशन हो रहा है मोलस्क जो है वो सेल्फ एनवायरनमेंट में भी मिल रहा है, और ब्रैचियोपोड लिंगोला भी सेल्फ एनवायरनमेंट में मिल रहा है। तो दैट विल बी द आंसर। फोरामिना द होल, फोरामिना क्या होते हैं, फोरामिन प्लूरल फोरामिना is an opening or hole through tissue, usually bone. It allows nerves and blood vessels to travel from one side to the tissue layer to the other. Foramina are primarily found in the skull. Others are located in the vertebrae, long bones, roots of the teeth, heart, and abdomen. So, foramina are the holes. Iska mainly kaam kya hai? It allows nerves and blood vessels to travel from one side of the tissue layer to the other. In the walls of the animal stage, interceptor that allows communication between chambers. In the marginal cord that forms spiral lamina in nummulites that forms the aperture in the taste in the columella. So, yeah, interceptor that allows communication between chambers. Ye answer hoga. Nummulites is a term to indicate shallow nereidic deposits rich in large foramina, especially nummulites. Which of the following period was dominated by them? Pliocene, Eocene, Permian, Triassic, and Silurian. So, answer kya hoga? Eocene epoch. Nummulites were particularly prominent during the Eocene epoch. So, answer should be 2. So, thank you. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये कंटेंट मिल सके और सभी लोग एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।